नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करू छी मु स्वागतिका गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को घरे विजिलेंस रो रेड प्रदीप को सहित तांकर संपर्क एवं ड्राइवर घरे एका संगरे चढ़ाव करी छी विजिलेंस 15 टी टीम आज सकाळ 6 टा रो एककालीन चढ़ाव आरंभ हो छी। भुवनेश्वर थिबा प्रदीप को सरकारी वास्तव भवन रे तांकर ब्रह्मपुर स्थित पैतृक घर प्रदीप को घनिष्ठ थिबा सर्वेश्वर राव एवं ड्राइवर को घरे विजिलेंस रेड करी छी। प्रदीप को ड्राइवर उज्जवल ब्रह्मपुर गणेश नगर स्थित वास्तव भवन रे विजिलेंस रेड करी छी। तेरे चारि जनिया टीम उज्जवल घरे जेभि भाव में चढ़ाउ जारी रखिंट तेरे संपत्तिर छानभिन करने सहित प्रदीप सहित किभली संपर्क रही से नहीं तदंत जारी रही। ब्रह्मपुर उपकंठ बड़ कुशस्थल गाँवर कंबपाणी साहू हरेकृष्ण साहू घर रेड करजिलांस एम प्रदीप सहयोगी भाव में जनाशुना पूर्व तेरे कंबपाणी साहू को क्राइमब्रांच जेरा कर सारी। पूर्व प्रदीप पाणिग्राही ना आसी संगीन अभोग चाकरी देवा ना आशायी ठू टा हड़प करने अभोग गिरफ होते गोपालपुर विधायक एथसहित विजु जनता दल बहिष्कार करपर प्रदीप पाणिग्राही हाइकोर्ट सर्तमूलक जमीन आसीथिले। प्रदीप विरोध में अभियोग क्राइम ब्रांच एवं ईडी तदंत करुवा बेले एवं लोकायुक्त निर्देश क्रमे विजिलेंस चढ़ाउ कर रेट चलती मुझे करेट चलती कह कौन आज मुझे तो देढ़ वर्ष गाड़ी छाड़ी पाखु कि बर्तमान हटात मो घर मुझे संपूर्ण सहयोग कर किंतु मैंने गोटे पार्टी गोटे दल आदर्श होगी चौवनटा सब सतर वर्ष मुझे कम कलापर जो लास्ट को ये बयस जीवन जीविका समस्या समय रे जो ये जो चिंता यहाँ मन मोर बहुत आघात दे बहुत भी मानसिक स्तर में बहुत कष्ट जंत्रणादायक अच्छे मैंने ये जो घटना पर प्रदीप सामाजिक सामाजिक बासंद होगी वर्तमान सोसाइटी वर्तमान मो प्राइवेट गाड़ी चल भी मानने सुजोग मिल नाला मुझे कौटी मुझे प्राइवेट काम गाड़ी चलिए बचे जीवन जीविका करवा समय ये जो घटना मत बहुत मानसिक स्तर में कष्ट आज्ञा इस संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि कैलाश बेहरा। कैलाश जो भाव में गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही घर विजिलेंस रेड करसहत प्रदीप सहित संपर्क एवं ड्राइवर घर एका सांगे चढ़ाव करजिलेन्स 15 टीम बर्तमान कौन अपडेट रही आप देखो निहत स्वागत का जेहेतु आज सका भर समय ही जहाँकि प्रदीप पाणिग्राही सहयोगी जहाँकि घरे विजिलेंस पक्ष चढ़ाऊ होता प्रथम सका छा समय ब्रह्मपुर सहर कटपेटा छक निकटस्थ प्रदीप पाणिग्राही जो पौतृक बासभवन रही चढ़ाऊ कराइला यापर तर जो रही व्यक्तिगत सचिव बोली कौन सर्वेश्वर राव घर चढ़ाऊ होता और यापर जो अन्य सहयोगी मान रही जहाँकि बड़कुशस्थल स्थित कंबुपाणिग्राही कंबुपाणी साहू एवं यह सहित अन्न्य सहयोगी मान जो रही घर मैं चढ़ाऊ कराइला और बर्तमान सुधा सूचना मिले ब्रह्मपुर सहर में पांचटी स्थान में पांचटी टीम द्वारा चढ़ाऊ कराइला और आगामी दिन में चढ़ाऊ यह भाव जारी रहे जहाँकि सूचना मिली तेरे बर्तमान सुधा कि गुरुत्वपूर्ण कागजपत विजिलेंस हाथ लगे सूचना मिली जेहेतु पूर्व प्रदीप पाणिग्राही ना अनेक गुड़े संगीन अभियोग रही है जाकरी कराइदे ना लक्षाधिक टंका से ठकी नहीं अभियोग होता टाटा कंपानी जहाँकि टाटा कॉलोनी ब्रह्मपुर उपकंठ जो गोपालपुर थाना अंतर्गत जो टाटा कॉलोनी अच्छी से टाटा कॉलोनी पाखापाखि 60 अधिक युवक युवती पाखापाखि लक्षाधिक टंकार ठके अभियोग होता है और यही अभियोग में पूर्व जो मान वर्तमान विजिलेंस जेरा कर चढ़ाऊ कराइला आज विजिलेंस पक्ष से पूर्व क्राइमब्रांच जहाँकि ब्रह्मपुर एसपी कार्यालय को डाक पचरा उचरा कर पूर्व गोटे पटे सर्वेश्वर राव अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण तथ्य हस्तगत कर क्राइमब्रांच सहित जो अन्य सहयोगी मान रही है जहाँकि कंबुपाणी साहू ठार आरंभ कर जो सहयोगी मान रही थे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण तथ्य हस्तगत करा जहाँकि क्राइमब्रांच यापर बर्तमान जहाँकि आज जहाँकि पाखापाखि 15 टीम द्वारा यह चढ़ाऊ कराइला और गुरुत्वपूर्ण अनेक गुड़े तथ्य हस्तगत होता विजिलेंस पक्षर जहाँकि सूचना मिली तथा गोटे पटे पूर्व जो भाव क्राइमब्रांच अनेक गुड़े तथ्य मिलता बेले वर्तमान जहाँकि विजिलेंस पक्षर जो भाव एकाकालीन भाव यह चढ़ाऊ कराई निहत अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण जहाँकि तथ्य हस्तगत कर
କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଗତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେତର ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ଯାହା ମିଳିଛି, ଏଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କି ଭିଜିଲାନ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର? देखो निहत कटक विजिलेंस पक्षर कौन प्रकार प्रतिक्रिया गणमाध्यम सम्मुखें दिया जाए ना, कारण पूर्व जेहेतु 2009-2019 मसीह 5 कोटी ऊर्ध टा से कौन प्रकार जहाँकि आयुर्वहभूत संपत्ति ठूल कर अभोग होता अभोग भित्तिक आज ये भाव विजिलेंस पक्षर एककालीन भाव चढ़ा कर आधार में जहाँकि गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल कर गोटे पटे ड्राइवर को पखापाखि 6 घंटार अधिक समय धरी जेरा कर सहित प्रदीप सहित किभली संपर्क रही है केते समय धरी सहित जड़ित रही है जेहेतु ड्राइवर गोटे मुख्य रोचे अंपट जो रही सर्वेश्वर राव सका 8 पाखापाखी अपराह 2 पर्यटन घरे 4 जणिया टीम विजिलेंस चढ़ाव जारी रखा सहित अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण जहाँकि प्रश्न पचारी तार सठिक उत्तर रही जहाँकि सर्वेश्वर राव पक्षर सूचना मिली से गणमाध्यम को सीधा सड़क भाव कौन प्रकार प्रतिक्रिया नदे मौखिक भाव से भली कही चंते अब निहते अब गोटे पटे विजिलेंस रो तदंत गोटे पटे जारी रही बेले अंपटे जा जा जो जो मानक से सहयोगी हो अथवा कौन प्रकार संपर्क हो समस्त जो भाव विजिलेंस पक्षर तदंत अथवा चढ़ाव कराई तथ्य हस्तगत होती तेज निहते अब आगामी दिन प्रदीप पाणिग्राही विरुद्ध में अड़ुआ बढ़ी हार संभावना रही है। निश्चित भाव में आगक प्रदीप पाणिग्राही अड़ुआ आगक गोटे बड़ अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि हो पाए कि भाव में प्रदीप पाणिग्राही ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କଳା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କଳାଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। बहुचर्चित मनीष हत्याकांड घटनारे गिरफ 3 अभियुक्तों 4 दिनिया रिमांड ने कमिश्नर पुलिस 5 दिनिया रिमांड पर पुलिस पक्षर कोर्ट में आवेदन करा भुवनेश्वर जेएमएफसी कोर्ट 4 दिन अनुमति प्रदान कर गिरफ 3 अभियुक्त दिनेश मृत्युंजय और अमृत को रिमांड आनी अधिक जेरा हो मनीष को सांगमने हत्या कर पुलिस बड़े एवं अनेक प्रश्न रुजि रही एजाए मनीष मोबाइल फोन जबत कर मनीष मोबाइल फोन एवं क्योंठी अभियुक्त मैंने प्रमाण नष्ट उद्देश्य मोबाइल फोन को नष्ट कर ना फोन को ले जाई देखिछंती एथि सहित 3 अभियुक्तों को ने पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन करि पारे। आवेदन उपरे आज हमर कोर्ट हियरिंग हला तो माननीय कोर्ट 4 दिन पे रिमांड आवेदन को ग्रहण करछंती आ आसंत काल फिर से माने 4 दिन पे जिवे रिमांड केबेटु केबे जिवे आगे काले दिन जिवे 4 दिन पे को कोर्ट अनुमति दे जेएमएफसी ओके रिमांड रे हमरो आउ कुछ प्रमाण जोगाड़ कर सहाय हम तेज जो भाव में मनीष हत्याकांड घटन गिरफ 3 अभियुक्तों 4 दिन रिमांड ने कमिश्नर पुलिस और 5 दिन रिमांड ने कमिश्नर पुलिस पक्षर कोर्ट में आवेदन करु कोर्ट जो भाव में 4 दिन अनुमति प्रदान कर रिमांड पर 4 दिन भितर पुलिस विभिन्न दिग को नहीं अधिक पचराउचरा करें यह संपर्क में अधिक सूचना पर आम प्रतिनिधि दीपक समल वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती दीपक 5 दिन रिमांड पर कमिश्नर पुलिस आवेदन करता कि कोर्ट 4 दिन रिमांड प्रदान कर 4 दिन भितरे पुलिस क्यों क्यों दिगक नहीं कि 3 अभियुक्तों पचराउचरा कर संभावना रही क्राइम सीन रिक्रिएशन करें कि सबुठ बड़ कथ कि मनीष मोबाइल फोन गला कड़े ये प्रकृत अभियुक्त मैंने प्रमाण नष्ट उद्देश्य मोबाइल फोन को नष्ट कर फोन को लुचाई रखिंटे नहीं कि गोटे बड़ प्रश्न देखु आसंता काली हत्याकारी 3 अभियुक्त को रिमांड नब कमिशन पुलिस रिमांड मैंने विशेषकर पुलिस देख जे मनीष निखोज थिबा मोबाइल फोन एवं क्योंठी पूर्व भली प्रमाण नष्ट जो भाव मनीष मृतदेह को पोखरी को फिंगी थे समान ढंग से मोबाइल को पोखरी को फिंगी ना तो जदि पोखरी को मनीष मोबाइल को फिंगी दे था ते मोबाइल पाया पुलिस हुए तो कष्टसाध्य हम यह सहित जो बार थिला राति अधरे बार खोला थिला ए बार किए बुझुला
ତାର ଲାଇସେନ୍ସ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ କାହାର ଅନୁମତି ନେଇ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଇନ୍ଫୋସିଟିରୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଗତ, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଜାଗା ରହିଥିଲା ଏସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କରିବ ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ରସା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନା ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମନୀଷଙ୍କର ଓକିଲ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ପାରିକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅମ୍ରିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ମନୀଷ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଯାହାର ରାଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ହୁଏତ ଅମ୍ରିତ ସେ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ମନୀଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିନେଶ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିନି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣି ଜେରା କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି କି, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଜେରା କରିବ କମିଶନର ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା ଦେଖିବା କି ପଇସାକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ, ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପମ୍ପୋରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପୋଲିସ ସେନା ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ପମ୍ପୋରସ୍ଥିତ ବ୍ରାମ୍ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ 9 ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 13 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 7 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଆଇଜି ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ 3 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। न्यूज 18 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और आपको दिखा रहे हैं कि भाटा दूड़ियाँ एनकाउंटर को आज 4 दिन हो चुके हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे लगातार जबरदस्त गोलाबारी चल रही है जिसमें फौज की जानिब से RL का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी ये माना जा रहा है कि जिस घर में दहशतगर्दों के छुपे होने की शंका थी उस घर को भी सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है और लगातार गोलाबारी इस इलाके में हो रही है। पूरा इलाका जो है गोलियों और धमाकों से गूंज रहा है और उसके बीच न्यूज 18 जो है रिपोर्टिंग कर रहा है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं और पिछले 4 दिनों का जो एनकाउंटर था उसको सुरक्षा बल अब अपना खत्म करने के मूड में है और इसलिए जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, भोटा दुनिया, पुंछ। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। मैं समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को ख़राब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर, अभी NSA की टॉक्स होने वाली है नेक्स्ट नवंबर में, तो क्या होने वाली है? NSA टॉक्स हो रही है, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ बात करने को कह रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अदरवाइज देती है। अभी खुद जो है NSA के जो है इनवाइट किया गया है पाकिस्तान को, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है। शुक्रिया। और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम आहंगी हो, कि हम लोग आराम से ज़िंदा रह सकें।
परवर्ती खबर को आसपा पुणी बढ़ला पेट्रोल और डीजेल दर क्रमगत भाव में तेल दर वृद्धि पावे लगी आज पुणी पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा 35 पैसा वृद्धि पाई महानगरी मुंबई को टपिचे मलकानगिरी मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 111.77 पैसा थे मलकानगिरी 112.36 पैसा रही है मलकानगिरी डीजेल दर वृद्धि पाई 108.56 पैसा होपरी दिल्ली में पेट्रोल रेट 105.84 पैसा वृद्धि पाई नवरंगपुर पेट्रोल दर 111.34 पैसा वृद्धि पाई बेले डीजेल लिटर पिछा 107.69 पैसा रही देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है उससे महंगाई जो है वो अपने चरम स्तर पर है। लोगों का कहना है कि सरकार को अब इस पे कोई सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल डीजलों की कीमतों के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी जिससे महंगाई के साथ साथ महिलाओं की किचन का बजट भी बिगड़ गया था। लोग हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे कि उनका पेट्रोल और डीजलों की कीमतों पर क्या कहना है। भैया लगातार पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? मैम मैं क्या बोलूँ, ये तो सरकार को देखना चाहिए, जब से मोदी सरकार है तो पेट्रोल महंगा ही महंगा हो ही जा रहा है, क्या बोल सकते? रोज रोज जो है पेट्रोल की कीमतें डेली महंगी हो रही है सर, पेट्रोल डेली महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल महंगा हो रहा है डेली, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है। तो गवर्नमेंट तो डेली पैसे बढ़ा दे रही है, सोच रही है आम आदमी के पैसे है कि नहीं है, रोजगार है नहीं, आम आदमी क्या करेगा? अब मुझे ही ले लो, मैं 18-19 हज़ार रुपये सैलरी कमाता हूँ जिसमें 4 या 5 हज़ार रुपये तो यही खा जाती है, बचता क्या है? बिल्कुल उठाने चाहिए, मेरे हिसाब से तो उठाने चाहिए। पहले भी तेल बाहर से आता था और अब भी बाहर से आ रहा है, तो पहले इतना महंगा नहीं था, अब इतना महंगा क्यों है? सुना आपने, लोगों का कहना है कि सरकार को अब सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि पेट्रोल और डीजलों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों का बजट बिगड़ रहा है और साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि सड़कों पर लोगों का वाहन चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीतीश श्रीवास्तव, न्यूज 18 दिल्ली। पेट्रोल पकैली जस्ट 111.34 पैसा अच्छी तार रेट और पेट्रोल रेट अच्छी 107 टाँह जहाँकि चाषी मन उपरे भी बहुत प्रभाव पड़ू जेहेतु एवं चाष मन टाइमटा सीटा ट्रांसपोर्टिंग भी बहुत असुविधा होती जहाँ गाड़ीवाला मैंने कहूँ तेल रेट बढ़ीगला बहुत हईराण हो सब आड़ चाषी हईराण होगा पड़ू आज्ञा कौन करवा गाड़ी आम बुकिंग ने लोक एम मानने अधिका रेट कौन जीवाटा बहुत कष्ट हो तेल पकाउले आज के डीजेल रेट रही है आम तो 85 एमती पकाउलु तापर एबे तो पुणी हो रेटा 107 टाँह। तेज मुंबई को टपिचे मलकानगिरी मलकानगिरी जो भाव में तेल दर सर्वाधिक रही जहाँ को चिंता प्रकाश पाई साधारण लोक मैंने बेस हैरान हरकत होती संपर्क में अधिक अपडेट पर महेंद्र पाणिग्राही आम प्रतिनिधि बर्तमान आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती। महेंद्र जो भाव में देखते पेट्रोल और डीजेल दर क्रमगत भाव में वृद्धि पावे लगी देखूँ महानगरी मुंबई को टपि जाइए मलकानगिरी मलकानगिरी देखा कि गोटेपटे मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 111.77 पैसा थे मलकानगिरी 112.36 पैसा रही तो निश्चित भाव में ये दर वृद्धि साधारण लोक मान गोटे बोझ पड़ू और बाधुची। स्वागतिका देखु जहाँ कहते जो पेट्रोल और डीजेल दर रही जहाँकि आज 35 पैसा पेट्रोल रे 38 पैसा डीजेल रे तैल दर वृद्धि पाई जहाँ कथा कहते जो दिल्ली एवं जो मुंबई रे जो भाव पेट्रोल लीटर बढ़ी चली कारण जो दिल्ली में ए 105.48 पैसा रही पेट्रोल दर और मुंबई में रही 111 टाँह किंतु आज मुंबई को पथरे पकड़ मलकानगिरी कारण आज मलकानगिरी में जो भाई तेल दर बढ़ी लिटर पिछा 112.36 पैसा अच्छी और डीजेल दर 108.56 पैसा अच्छी एवं जो खाउटी मान कथा कह स्वागतिका आम जहां आलोचना करूँ आज सका जो भी प्रतिक्रिया नौलु जो जो भी कहते केवल तैल दर तो नुहे अन्य सामग्री मैं तैल दर जुग वृद्धि पाई किसी व्यक्ति एभली मत प्रकाश कर किसी राजनैतिक उद्देश्य यही तेल दर बढ़ुची किंतु अन्य मैंने खाउटी कहते जो भी तेल दर जो अन्य जो सामग्री गुड़िक राशन सामग्री गुड़ी तेल दर सहित से गुड़िकर वृद्धि पाती।
तबे महेंद्र आपण देखंतु जोठी 112 टंका 36 पैसा रहिछि पेट्रोल एवं डीजल दर मध्य वृद्धि पाई 108 टंका 56 पैसा होछि। तो पेट्रोल पंप को जो लोक माने पेट्रोल पकाइबा क असुछंती समानक भितर किभले प्रतिक्रिया सामना कसुछि समानक सहित आपण आलोचना करथिले कि समान प्रकृतरे कोन कहउछंती जोठी साधारण लोक टिए मालकानगिरी परे अंचल रे दर जेबे भाबरे हु हु होई बढी चलीछि काहेकि ना गोटे पेट्रोल गोटे डीजल दर वृद्धि जको तार प्रतिफलन मध्य अन्य जिनस पर मध्य देखबा को मिलुछि। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ କଥା ବି କହୁଥିଲୁ ସେ ଦିନକୁ ଲିଟର ପିଛା ଯେତେ ଦିନ ପିଛା ଯେତେ ଲିଟର ତେଲ ବିକୁଥିଲେ ତା କ୍ରମଶଃ ପାଖାପାଖି 20-30 ଭାଗ ତୈଳ ଯୋଉ ବିକ୍ରୟ ରହିଛି ତାହା କମିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ତେଲ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ତେଲ ଦର ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଏଇ 7 ଦିନ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରତିଦିନ 35 ପଇସା 36 ପଇସା 22 ପଇସା 24 ପଇସା ଏଭଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିର କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ମାଥିଲିର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ରହୁଛି ମାଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ରେଟ୍ ଦେଖିଥିଲୁ 111 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେ ଆମେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ବୁଝିଥିଲୁ ସେଠି ଲିଟର ପିଛା 112 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରୁ ତେଲ ଆସୁଛି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କାରଣ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଦର ହିଁ ଏଇ ତେଲ ଦରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଲ ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି କାହିଁକି ନା ଦର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୋଟିକାଲରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥୋପୁପୁଡ଼ାରୁ 2 ଏବଂ କାଞ୍ଚିରାପଲ୍ଲୀରୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନା ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟାୟମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କୁଟିକଲ୍ରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ 5ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ କୋଟାୟମ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପି ବିଜୟନ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ MI-17 ଏବଂ ସାରଙ୍ଗ ହେଲିକପ୍ଟର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସାବରିମାଲାକୁ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। आज जो वह ट्रफ मॉर्निंग में लेस मार्क हो गया और अभी जो उसका कंडीशंस है अभी एक ट्रफ ऑफ लो टाइप अभी है वहाँ पे जो हमने अभी आज दिया है साउथ इंटीरियर कर्नाटका से लेके साउथ तमिलनाडु तक उसके प्रभाव से आज हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द मोस्ट हैवी मीन मैक्सिमम 6 से 7 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है और उसके बाद जैसा कल था वैसा नहीं होगा। कल से काफ़ी सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद ऑलमोस्ट इट विल बी क्लियर वेदर ओनली। लेकिन उसके बाद एक फ्रेश ईस्टर्ली वेव का स्पेल बीच से आएगा उसके प्रभाव से भी थोड़ा हैवी तक ही अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेदर की उम्मीद नहीं कर रहे। अभी क्या है कि वेव बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज जा रही हैं जो उसका इन्फ्लुएंस आज आपने दिल्ली में भी देखा जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है उसके प्रभाव से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ईस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट और हिमाचल प्रदेश एंड इवन जम्मू कश्मीर आल्सो वहाँ पे हैवी स्पेल, वेरी हैवी स्पेल रह सकते हैं। स्पेसिफिकली आज की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर वगैरह इस रीजन में हिमाचल में हैवी मीन अगेन 6 से 7 सेंटीमीटर कल से इंक्रीज हो जाएगा और कल से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इवन उत्तराखंड भी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आ सकती है, एक्सट्रीमली हैवी इवन उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में भी और बाकी एडजॉइनिंग एरिया में वेरी हैवी मीन अप टू 12 सेंटीमीटर रेनफॉल आने के।